आज मैं एक रेसिपी शेयर करूंगी। आई विल शेयर अ रेसिपी। ओके, हियर आर द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं ऑनियन, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, जिंजर एंड गार्लिक, बोनलेस चिकन, हड्डी के बगैर का गोश्त, पोटैटोज, आलू, कैप्सिकम, शिमला मिर्चें, और ये पानी बॉयल हो रहा है। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा है पतीले में। और इसमें जाएंगे चावल, ये वाले चावल, ये चावल हैं और मैंने 3 ग्लास चावल लिए हैं। और ये जो ग्लास सामने पड़ा है इससे मैंने इसको मैयर किया। और ये मसाले हैं जो कि इसमें सारे जाएंगे। लौंग है, बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, काली मिर्चें, नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, धनिया, लौंगें, हल्दी भी है। और अब ये चूल्हे के ऊपर मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे चूल्हा। और इसको इस पतीले में अभी हम डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा इसको हीट करके पतीले को, और इसके अंदर अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे इतने अच्छे से कुकिंग नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़्यादा से मशवरे दे सकते हो कैसे करते हैं, क्या क्या करूँ। अब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा हीट हो जाए। आई होप कि आपको मेरी अजीब व गरीब कुकिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा लगे। इसके अलावा जो हमने पानी उबालने के लिए रखा था उसके अंदर हमने नमक और थोड़ा ऑयल डाल दिया है जिसमें हमने चावल बॉयल करने हैं। और ये दूसरे पतीले में जहाँ पे मैंने ऑयल रखा था गरम करने के लिए, वो उसके अंदर मैंने सारे ऑनियंस डाल दिए, प्याज। अब प्याजों को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाए थोड़े से इनका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज फ्राई हो रहे हैं तो इसमें मैं साबुत ज़ीरा भी डाल रही हूँ, वो चावलों में टेस्ट देता है और खुशबू भी अच्छी आती है। थोड़ा अजीब है बिकॉज़ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ और मैं खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ, तो थोड़ा अजीब से हो रहा है। प्याज फ्राई हो रही है और साथ ही साथ ये जो मैंने चावल है इनको मैंने धो लिया है, और इनको अब मैं डालूंगी वो जो पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा था उसके अंदर। और ये बॉयल चावल बॉयल होएंगे इसमें। मैंने सारे के सारे चावल जो है वो पतीले में डाल दिए और इनको मैं थोड़ा हिला रही हूँ और फिर मैं इनको ढक दूंगी। ये जो मेरे प्याज हैं ये फ्राई हो रहे हैं, थोड़ा इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ब्राउन हो रहे हैं। मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, चावल बॉयल कर रही हूँ, प्याज फ्राई कर रही हूँ, तो हो जाए बस सब कुछ सही से। अब मुझे लगा काफ़ी फ्राई हो गए थे मेरे प्याज। अब मैंने जो चिकन है वो डाल दिया है और चिकन को मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी। सिर्फ प्याज है और अंदर ज़ीरा, चिकन फ्राई हो रहा था। चिकन फ्राई हो रहा है। जैसे कि मेरा चिकन फ्राई हो रहा है अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब तो इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन जो है वो डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करेंगे अच्छे से। ये साथ में मेरे चावल भी बॉयल हो गए अच्छे से, हो गए काफ़ी हद तक। और अब ये इस पर मैंने सारे टमाटर और सारे मसाले जितने भी थे खुश्क वो डाल दिए हैं। अब मैंने चावलों को एक ट्रे में निकाल लिया है ताकि बाद में इसको मैं ऐड कर सकूँगी। और ये मैं अपने सालन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने टमाटर और सारे मसाले डाल दिए। अब मैं इसमें कैप्सिकम, जो मेरी शिमला मिर्ची हैं, वो भी मैंने डाल दी हैं। इनको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और
पॉइंट पे मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं और फिर मैं आलूओं के साथ इसको फ्राई करूंगी और ढककर पकाएंगे। फ्राई करेंगे काफ़ी देर तक आलू वगैरह डालकर इन सारी चीज़ों को। और इस मोमेंट पर मैं एक इसमें नमक भी डाल रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा लग रहा था और थोड़ा, और मिर्चें भी डाल रही हूँ। जितनी आप मिर्चें डालना चाहो उतनी डाल सको, वैसे मैं थोड़ी डालती हूँ पर आज मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। और मैं इसको सारे को मिक्स करूँगी और फ्राई करूँगी। काफ़ी देर तक इसको सारी चीज़ों को, वेजिटेबल्स और गोश्त को साथ में फ्राई करते हैं और मिक्स करते हैं इस तरह का। मैं तो बहुत कम कुकिंग करती हूँ, शायद ही कभी कभी करती हूँ, तो आई होप कि अजीब व गरीब ना हो मेरी कुकिंग बस। और अब इसको थोड़े कवर करके भी फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और बन जाए। और पतीला लिया है और इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाल लिया है। और ये जो मेरी सब्जियां हैं इनको मैंने साइड पर उतार लिया चूल्हे पे। और ये मेरी चावल है जो मैं ट्रे में रखे थे। अब इसकी मैं तय लगा रही हूँ इसके ऊपर, एक मैंने लेयर किया, एक तय किया। तय कर ली अच्छे से और एक चावलों की लेयर अच्छे से, उसके ऊपर ये गोश्त के मसाले की लेयर अच्छे से, फिर ऊपर चावलों की लेयर अच्छे से और फिर गोश्त के मसाले की लेयर अच्छे से और फिर ऊपर से गोश्त की, और इस तरह करके जो है वो चावल बनाते हैं। एक्चुअली मुझे कुकिंग नहीं आती है, मेरी कुकिंग में मेरे मामू मेरी हेल्प कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कैसे कुकिंग करते हैं, और ये मेरी पहली दफ़ा ज़िंदगी में। और ये सारी मैंने लेयर्स बना ली हैं अच्छे से और अब इनको मैं कवर कर दूंगी और थोड़ी देर कवर करके इनको पकाऊंगी। मुझे कुकिंग नहीं आती है, मेरी कुकिंग में मेरे मामू मेरी हेल्प करें और उन्होंने मुझे बताया कि इसको इस तरह कवर करके दम दो, तो वो मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत अच्छे से कुकिंग नहीं आती है, तो अब मेरे मामू जो हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं इनको टर्न करने में ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब ये पक कर तैयार हो गए हैं, बस हम इनको टर्न कर रहे हैं ताकि इनके सारे कलर्स साथ में नज़र आएं और ये खूबसूरत लगें। आई होप कि आपको ये अच्छी लगे मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो, और आप इसको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाओ। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ढेर सारे, और मुझे बताओ कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा आपको।